नमस्कार, मैं हूं अंकुर सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए साल 2018 काफी बदलाव भरा रहा है। राजनीति ने कई नए मुकाम हासिल किए तो तमाम सियासी सूरमा धाराशाही भी होते दिखे। में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए साल 2018 मुश्किलों भरा रहा। साल के शुरुआत में ही गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी। हार ऐसी जिसको लेकर पार्टी के अंदर से सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भी सवाल उठे। इसी साल बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी सरकार पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए, जिससे योगी सरकार और बीजेपी संगठन पूरी तरह से असहज भी नजर आई। तन मन नवस होना चाहिए कि ये सरकार के क्रियाकलापों से लोग कितना खुश है, इस पे आत्मचिंतन होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ निश्चित रूप से। इसी साल भारतीय जनता पार्टी की बहराइच से सांसद साध्वी सावित्री बाई फुले ने भी साल खत्म होने से पहले अपना त्याग पत्र देकर पार्टी के अंदर हलचल मचा दी। इसके अलावा भाजपा के तमाम विधायकों की तरफ से लगातार योगी सरकार और बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा SC ST एक्ट में संशोधन को भी यूपी बीजेपी कार्यकर्ता बचा नहीं पाए और खुलकर मैदान पर आ गए। पार्टी के विधायक और सांसदों ने भी SC ST एक्ट में संशोधन का पुरजोर विरोध किया। RSS की तरफ से भी इस पर नाराजगी जताई गई। यही नहीं, यूपी में महागठबंधन की आहट से डरी बीजेपी ने जातीय गणित पर भी फोकस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में यूपी में पिछड़ों के जातिवार सम्मेलन हुए तो दलित जातियों के भी सम्मेलन करके बीजेपी ने विपक्ष खेमे में खलबली मचा दी थी। उत्तर प्रदेश में अंतिम चुनाव कैराना का हुआ था, जिसमें हम लोग 46% वोट पाए थे, यद्यपि हमारे अनुकूल सीट नहीं थी। और तब से भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है कि हम 51% वोट कैसे प्रत्येक बूथ पर पाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वही साल 2018 जब जाने लगा तो बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लगा। यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता और खुद CM योगी आदित्यनाथ चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ जनसभाएं करके ब्रांड योगी बनाते हुए नजर आए, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ पार्टी को नहीं जिता पाए और MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब 2019 आने वाला है, साथ ही लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता प्रधानमंत्री चुनने के लिए तैयार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में फतेह के लिए बीजेपी ने बेहतर ढंग से रणनीति बनाते हुए माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है।